गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर फिफ्थ चैप्टर चिट्ठियों की अनु की दुनिया। चिट्ठियों की अनु की दुनिया है तो ये क्या है, एक निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, अरविंद कुमार सिंह है। ठीक है, इन्होंने ये निबंध लिखा है और इस निबंध में इन्होंने बताया है कि चिट्ठियों का क्या महत्व होता है। पहले के ज़माने में जो चिट्ठियाँ होती थी वो क्या महत्व रखती थी, लोग किस तरीके से एक दूसरे को पत्र भेजते थे और लोग किस तरीके से उसको संभाल के रखते थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि लेखक ने इस निबंध में पत्र का क्या महत्व बताया है। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। ठीक है, मतलब पत्र हमेशा से एक अनोखी वस्तु रही है और इसका जो स्थान होता है वो मोबाइल भी नहीं ले सकता है। पत्र का इतना महत्व होता है, मतलब पत्र होते हैं वो पहले कैसे भेजते थे हम एक दूसरे के पास में, पत्र को भेजने का पहले हमारे पास एक ही साधन था, या तो हम कबूतर के द्वारा भेजते थे या हम घोड़े वगैरह के द्वारा भेजते थे। लेकिन संचार का उस वक्त और कोई भी साधन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पत्र ही था जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। पत्र जो काम करते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। मतलब यह है कि पत्र एक ऐसा काम करता है जो जिसका काम नए जमाने के जो साधन होते हैं वो नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जब हम भेजते हैं तो उससे हमें जितना संतोष मिलता है उससे, मतलब उतना संतोष तो हमें SMS भेजने में भी नहीं आता, क्योंकि हम SMS भेजते हैं और तो उसका जवाब हमारे पास तुरंत आ जाता है। लेकिन पत्र का जवाब हमारे पास तुरंत नहीं आता, हम क्या करते हैं उसके लिए लगभग 10-15 दिन, एक महीना हमें इंतज़ार करना पड़ता है और उस इंतज़ार का मज़ा ही अलग होता है, हमें अलग ही खुशी होती है। पत्र एक नया सिलसिला भी शुरू करते हैं और राजनीतिक साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। मतलब पत्र होता है वो एक अलग ही नया सिलसिला शुरू करता है, एक नया ही चलन हमारे सामने लेके आता है और राजनीतिक क्षेत्र में जितने विवाद होते हैं वो उनकी घटनाएं होती है वो सब हमारे सामने पत्र के द्वारा ही आते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, मतलब दुनिया का जितना भी साहित्य कला इतिहास किस पर केंद्रित है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही केंद्रित है, मतलब पत्रों पे ही केंद्रित है। और राजनीति में जितनी भी उथल पुथल वगैरह होती है वो भी हमारे सामने आ जाती है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है, मतलब कि मानव सभ्यता में भी इन पत्रों ने अपनी अलग ही भूमिका निभाई है। पत्रों का अभाव सब जगह एक सा है, सब जगह उसको उतना ही महत्व देते हैं, लेकिन इसके जो नाम होते हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख कहते हैं तथा तमिल में हम इसको क्या कहते हैं, कड़ित कहते हैं। मतलब कि पत्र के नाम सब जगह अलग अलग होते हैं लेकिन इसका जो महत्व है वो, ये जो पत्र होता है वो सब जगह अपना एक ही महत्व रखता है। ठीक है, सब जगह इसको उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है लेकिन इसके जो नाम होते हैं वो ही अलग अलग होते हैं। पत्र क्या करता है, हमारी यादों को सहेज कर रखता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये हमारी यादों को सहेज कर रख सकता है। हम इसको कितने ही सालों तक हम इसको संभाल के रख सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन में मैसेज वगैरह होते हैं हम उसको उतना टाइम तक संभाल के नहीं रख सकते, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। हर एक की अपनी लेखन कला होती है, मतलब कि सबका पत्र लिखने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी कलाएं होती है वो अलग अलग होती हैं और हर एक के पत्रों का अपना अपना दायरा होता है, मतलब कि और हर एक लोगों के पत्र लिखने का अपना दायरा होता है, अपनी सीमा होती है, वो एक सीमा के अंदर रह के ही उस पत्र को लिखते हैं। कुछ एक लोग क्या करते हैं, अपने सारे सुख और दुख होते हैं वो पत्र में लिख देते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुखों को छिपाते हैं और सिर्फ सुख की बातें ही पत्र में लिख कर दूसरों तक पहुँचाते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं, मतलब कि दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं और एक दूसरे को पहुंचाए जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, मतलब भारत में रोज कितनी चिट्ठियां डाली जाती है, लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती है। अब भारत में इतनी चिट्ठियां डाली जाती है तो हमें आराम से पता चल रहा है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। इतनी चिट्ठियाँ डालने के बाद में, मतलब कि ये साबित करता है कि पत्र का एक अपना अलग ही महत्व होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में बताया था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे यानी कि डाकिये, मतलब कि पिछले
हजारों सालों में संचार का साधन कौन सा रहा है? सिर्फ पत्र ही रहा है। पत्र के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, अदरवाइज एक दूसरे से बात करने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं था। उसके बाद पहिए आए, मतलब कि पहले पत्र थे जो डाकिये पहुंचाया करते थे, और उसके बाद में पहिए आ गए, यानी कि वाहन चला दिए गए, जिसके कारण क्या होता था, पहले पत्र को बहुत ज़्यादा समय लगता था, फिर थोड़ा कम समय लगने लग गया, और फिर रेलवे शुरू हो गया तो रेलवे में तो और भी कम समय लगने लग गया, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें और भी बदलाव आए, और धीरे धीरे क्या हुआ, पत्र है वो तेज गति से एक दूसरे के पास में पहुंचने लग गए, ठीक है। और फिर उसके बाद में टेलीफोन और वायरलेस शुरू हो गए, जिसके कारण तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता था, और हम एक दूसरे से तुरंत बात कर सकते थे, और एक दूसरे का हम क्या कर सकते थे, हालचाल पूछ सकते थे, और हमारी तुरंत एक दूसरे से बात आराम से हो जाती थी। हमें लगभग महीनों 15-20 दिन हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है, मतलब कि पिछले 100 वर्षों में पत्र ने क्या किया है, एक कला का रूप ले लिया है। पत्र के कारण लोगों की अलग अलग कलाएँ वो सामने आने लग गई है, क्योंकि पत्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि लोग किस तरीके से, किस कला से पत्र को लिख सकते हैं, एक पत्र को वो किस तरीके से, कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के काफ़ी प्रयास किए गए, मतलब डाक व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया गया, जिसके कारण पत्र थे वो जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुँच जाते थे, और फिर उसके बाद में पत्रों को भी सही दिशा देने का प्रयास किया गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, मतलब कि पत्रों को ज़्यादा महत्व देने के लिए क्या किया गया था, इसको पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में इसको शामिल कर दिया गया, और हिंदी की बुक में क्या किया गया, इसका एक अलग ही लेसन दे दिया गया, ताकि हमें पता चल जाए कि पत्र को शुरुआत में कैसे लिखते हैं, शुरुआत में उसकी क्या चीज़ें आती हैं, बीच में उसका क्या मैटर होता है, और लास्ट में उसकी जो लास्ट का उसका क्या मैटर होता है, ठीक है। और हमें उसमें सिखाया जाता था कि पत्र को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लेसन में शामिल किया गया ताकि इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाए, और मतलब कि पहले के लोगों को तो पत्र लिखना आता था, लेकिन जो नए ज़माने के जो बच्चे हैं उनको भी पत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, इसी वजह से क्या किया गया, इसको पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में इसको शामिल कर दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, मतलब भारत में ही नहीं, मतलब दुनिया के हर एक देश में क्या किया गया, इसको एक सिलेबस में शामिल कर दिया गया। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए, एक डाक संघ है उसने क्या किया, उसने भी पत्र की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, और लगभग विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, मतलब कि विश्व डाक संघ ने क्या किया, 16 वर्ष के बच्चों के लिए पत्र लिखने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिससे नए नए छात्र है वो सामने आए, और उनकी कलाएं भी हमारे सामने आने लगी। 1972 में ये सिलसिला शुरू किया गया था, लगभग 1972 में ये सिलसिला शुरू किया गया था, और यह कहा गया था कि हर 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, ताकि हमें उनकी पत्र लिखने की कलाएं हमें पता चल जाएं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, मतलब कि बड़े बड़े देशों में क्या हुआ था, अलग अलग संचार के साधन आ गए थे, नए नए संचार के साधन आ गए, जिसके कारण वहाँ पर जो पत्रों की इम्पोर्टेंस है वो कम होने लग गई। लेकिन देहाती दुनिया यानी कि गांव में आज भी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी की पहले थी। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, मतलब मोबाइल चल गए, टेलीफोन चल गए, ईमेल्स वगैरह चल गए, जिसके कारण क्या होने लग गया, जो पत्र की इम्पोर्टेंस है जैसे बढ़ने लगी थी पहले तो, लेकिन इन सब के चलते क्या होने लग गया, उन पर रोक ही लग गई। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ने लग गई। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह तक जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, मतलब कि अगर हम इतिहास के बारे में पढ़े तो हमें यह मालूम चलेगा कि किसने किसको कैसे पत्र लिखे थे, ठीक है। मतलब कि अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो हमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने किसी को पत्र ना लिखा हो,
क्यों? क्योंकि मतलब कि पहले संचार के साधन थे वो सिर्फ पत्र ही था, अदरवाइज कोई भी साधन नहीं था। पत्र न लिखा हो या पत्र का बेसब्री से इंतजार न किया हो, मतलब कि हमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने किसी को पत्र ना लिखा हो या उसने लगभग महीनों भर किसी के पत्र का इंतजार ना किया हो। सबने किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते थे उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मतलब कि जो बॉर्डर पे जो सैनिक थे वो क्या करते थे, हमेशा ही पत्रों का इंतजार करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ हमारे परिवार से ज़रूर हमारे लिए कोई ना कोई पत्र आएगा, और वो मतलब उसका बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। और जब उनको पत्र मिल जाता था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते थे। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। मतलब कि एक समय था जब लोग क्या करते थे, लगभग महीनों भर पत्र का इंतज़ार करते थे कि हाँ हमारे परिवार का हमारे पास कोई पत्र आएगा। लेकिन अब क्या है, आधुनिकीकरण में मतलब अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल ऐसा मतलब मोबाइल एक ऐसा साधन चल गया है जिसके कारण लगभग लोगों को महीनों क्या एक मिनट भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। परिवहन साधनों ने विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, लेकिन आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। मतलब कि पहले संचार का साधन कौन सा था, चिट्ठी ही था, लेकिन आज और भी साधन विकसित हो गए हैं जिसके कारण क्या होने लग गए हैं, पत्रों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो मतलब मोबाइल से क्या होता है, तुरंत संदेश भेज सकते हैं और तुरंत हम एक दूसरे का हालचाल पूछ सकते हैं। और चिट्ठियों मोबाइल वगैरह से क्या होने लग गया है, जो चिट्ठियों का महत्व है वो कम होता जा रहा है, और आगे चलकर चिट्ठियों का तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे नामों निशानी ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैंने ये चैप्टर आपको हाफ रीड करवाया है, आप इसको हाफ रीड करोगे और मैं आपको लेसन फोर्थ क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करूंगी, वो आप अपने नोटबुक में करके मुझे सेंड करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।